सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे 8:15 और अभी हॉकी का मैच चल रहा है गर्ल्स का। गुड मॉर्निंग, इंडिया ही जीतेगी टोक्यो में तो पाकिस्तान हार जाएगी। पाकिस्तान का पता नहीं यार, वो पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही। ये देखो मैच चल रहा है, ये देखो यहाँ पे पेनल्टी आई थी पर पेनल्टी बच गई। अभी स्कोर 3-3 है, पता नहीं कौन जीतेगा। देखो ये पता है टोक्यो कहाँ पे? टोक्यो तो वो जवानिस्तान नहीं, जापान में। कितने ओवर का है? ओवर नहीं होते आशा हॉकी में। हॉकी में टाइम देते हैं और गोल मारने पड़ता है दो टीमों को एक स्टिक से। मिशन फेल्ड, वी विल गेट देम नेक्स्ट टाइम। गाइस पापा चाय बना रहे हैं, ये तो पापा का रोज का रूटीन ही। पापा अच्छी बनाते हैं, मैंने पी नहीं। हार गए। सो गाइस खाने में बना है करेला और रोटी और दाल चावल भी बने। आशु देखो करेला पसंद है। तो गाइस अभी आशु ने बहुत बड़ा स्कैम किया था मेरे साथ। आपने मेरे लैपटॉप में क्लास अटेंड की, मैं शटडाउन किया और अपडेट, शटडाउन एंड अपडेट। दीदी आपने कल ना आपका वो बनाया था ना रेस्टोरेंट, तो आज भी बनाओ के क्या? मेरे को खाना है कुछ। बनाओ है मेरे को पिज्जा खाना है। पिज्जा तो नहीं बन सकता रेस्टोरेंट में। और पनीर की सब्जी बन सकते पनीर की। ओके तो आपके कुक को बोल दो बना देंगे। सुनू मौसी मैंने ऑर्डर किया है आपके लिए। क्या बनो भैया के लिए? आपके लिए बताओ ना कुछ। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो लेट वाली हूं ना। दाल चावल खाना है। आशु का अबेकस का एग्जाम लेगी मैम, तो मम्मा आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है आशु फेल नहीं होगा। क्यों होगा फेल? क्यों होगा? अच्छा ऐसे वो पढ़ाई नहीं करता इसलिए फेल हो जाएगा, 0 मार्क्स लाएगा। आपको साइकिल चलाना पसंद है? साइकिल चलाना पसंद है आपको? पसंद है। पर यार अभी अपने घर पे तो आपके लिए कोई साइकिल ही नहीं है। और अभी आपकी बड़ी सिस्टर और आसिबिया का रिजल्ट आने वाला है। आद्या का एग्जाम था, उसके 98 आए 100 में से। और पापा ने बोला कि इसकी आइसक्रीम कैंसिल कर दो, मैंने कर दी और रोने लग गई। मैं मजाक कर रहा था। 100 ये आशय 100। आद्या दीदी क्या हो गया, रो क्यों रहे हो यार? ओके डांटूंगा। सो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं, मम्मा और मौसी गई थी मार्केट तो खाना लेके आए हैं। एक तो लेके आए चना मसाला, एक पनीर और बाकी यहाँ पे दाल है। और यहाँ बच्चा पार्टी खाना खा रहे हैं। हाय छोटू आप भी खाना खा लो ना। छोटू पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मेरा सुना मैडम तेरी पिटाई करती है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है बताओ बेटा? दो आएंगे बताओ सर। चलो बताओ ये नींबू है, एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करो ऐसा, हाथ से ऐसे बंद करो, कितना एक दिख रहा है? अब दोनों आंख खोलो, ओपन योर आईज, दोनों खोल दो बेटा। अब कितना दिख रहा है? तो दोनों से एक ही दिखेगा ना। इसको सब्जेक्ट पसंद है पर सब्जेक्ट इसको पसंद नहीं करता है ना आद्या? मम्मा पानी सारे। इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इसके फुल मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत नहीं 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 इसके फुल मार्क्स है। पर मार्क्स तो कम आते तेरे। आपने सुने रोटी और सॉस क्यों खाते हो यार आप? कुछ और भी तो खाओ। रोटी और सॉस क्यों? आद्या आप रोल करके खा रहे हो? हाँ। गाइस अभी चल रहा है इंडिया का मैच चल रहा है, अभी ब्रेक आ गया है, पापा बैठ के देख रहे थे। तू तेरा फ्रेंड आ गया यार, कितनी देर से वेट कर रहा है तेरा, तो जा यार तू। अरे मम्मा मना कर दिया। ये आशय क्यों नहीं आ रहा तेरे साथ? चलो आ रही था। चलो दोनों साथ में खड़े हो जाओ, एक बार तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ मैं। यस मेरा पढ़ाई का, मेरा भी। आद्या पीछे खड़ी हो। अब पापा मैं ही बच्चा हूँ तो मैं भी आ जाता हूँ। नहीं तुम्हारा सबसे टेस्ट होगा, सबको वन बाय वन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा, ठीक है ना? चलो
हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? छोटू का आंसर बताएगा। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? और छोटू सोच में एकदम ही। चलो अब आद्या का नंबर है। आशे थप्पड़ पड़ेगी खींच के। तेरे से पूछा गया? बैड मैनर्स होते हैं ये। चलो वापस से। नहीं, जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। चलो हमारे हमारा जो उदयपुर है वो कौन से राज्य के अंदर आता है? कौन से स्टेट के अंदर? जो पूछूंगा वो आंसर वही आंसर देगा, फालतू कोई आंसर नहीं देगा। कौन से स्टेट के अंदर? कौन से स्टेट के अंदर आता है? चलो आद्या बताएगी। इंडिया। इंडिया तो बेटा कंट्री है। इसको ऑप्शन दे दो क्योंकि। हाँ चलो बताओ बताओ, सोचो बेटा। बैंगलोर कर्नाटक में आता है। वैसे उदयपुर कौन से स्टेट में आता है? अरे ऑप्शन। चुप रहे। जयपुर। मेवाड़ी। जयपुर। मेवाड़ी जयपुर। नहीं 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 बेटा, सही से आंसर दो। अरे पापा, जिससे बता रहा हूँ वो आंसर देगा। यस आद्या का नंबर है। यस आद्या बताओ फटाफट फिर। राजस्थान। आशय वापिस पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। बीच बीच में आंसर देता है। ये ऐसे स्टूडेंट्स बहुत गंदे होते हैं, जिनसे जो पूछा जाए ना वही होना। मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे पेट में दुखता है क्या, आंसर देते हो फटाफट फटाफट। इन तीनों में सबसे लंबा कौन है? नीवी बताओ, सबसे बिग कौन है? वाह। और नीवी आप बताओ, इन सबसे सबसे सब में स्मॉल कौन है? वाह। स्मॉल सही से नहीं। आद्या दीदी सही बोल रही हो। अच्छा ठीक है, नहीं पर हाइट की बात हो रही बेटा। अगर आपको क्विज अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।